गुड मॉर्निंग क्लास, आई एम योर इंग्लिश टीचर ऑफ क्लास फिफ्थ. इन द लास्ट वीडियो वी हैव लर्न अबाउट द चैप्टर नंबर 1. वी हैव डिड द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर नंबर 1 एंड इन दिस वीडियो वी विल डू द एक्सरसाइजेस ऑफ दिस चैप्टर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइजेस. ठीक है, तो लेट्स डू आर फर्स्ट एक्सरसाइज. ओके, सेपरेट द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. आपको इसमें क्या करना है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को सेपरेट मतलब अलग करना है. जैसे फर्स्ट इज ओपन द डोर, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है आपका, ओपन, तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया. हाँ, अंडरलाइन करके नीचे लिख देंगे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट वॉट द डो. ठीक है, जैसे अब फ्री देर ये वाला देख लेते हैं हम. द रामायण इज होली बुक. जो रामायण है वो क्या है, होली बुक है. तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, द रामायण. ठीक है, ये सब्जेक्ट है. और जो भी पेंडिंग है, जो भी बचा हुआ है, वो क्या है आपका, प्रेडिकेट. इज होली बुक इज अ प्रेडिकेट. ठीक है, ओके. नाउ सेकेंड, अरेंज द फॉलोइंग ग्रुप्स वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस. अब आप ये आपको ऐसे ही ये आपको सिर्फ दे रखे हैं, सिर्फ आपको एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स दे रखे हैं, बट सेंटेंस नहीं बना हुआ. आपको इधर आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है आपको. ठीक है, ए फॉर ट्राइंग यू आर वॉट, वॉट आर यू ट्राइंग फॉर. ठीक है, ई लास्ट वाला देखते हैं हम. एक स्विट्जरलैंड कंट्री इज अ ब्यूटीफुल स्विट्जरलैंड. तो सब ये हमारा नॉर्मल होता भी है कि जो सेंटेंस होता है वो किससे स्टार्टिंग होती है, उसके सब्जेक्ट से. तो इसमें सब्जेक्ट क्या बन सकता है, स्विट्जरलैंड. तो नॉर्मली स्विट्जरलैंड, फिर आफ्टर इट वर्ब. ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब देन मेन वर्ब. दिस इज द एग्जेक्टिव, उसकी क्वालिटी बता रहा है, तो एडजेक्टिव हो गया. ठीक है, स्विट्जरलैंड इज अ ब्यूटीफुल कंट्री. ठीक है, वही इस यहाँ लिखा है, वही. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज और आपको बाकी के अपने आप करने हैं. ठीक है बच्चों, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका. यह थोड़ा कम है प्रिंट, बट आप अपनी बुक में देख सकते हैं. ठीक है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड स्टेट द काइंड ऑफ ईच. आपको ये सेंटेंसेस रीड करने हैं और इनकी क्या बतानी है, काइंड्स बतानी है कि कौन से है. चार सेंटेंसेस पढ़े थे कल हमने, कौन से थे वो थे फर्स्ट डिक्लेरेटिव और असर्टिव, सेकेंड इज इंटेरोगेटिव, थर्ड इज इम्परेटिव एंड फोर्थ इज एक्सक्लेमेटरी. सो पहला हम पढ़ेंगे आई लाइक दिस पेंटिंग. तो ये नॉर्मल हमारा सब्जेक्ट स्टेटमेंट है एक, तो ये क्या हो गया, असर्टिव सेंटेंस. जैसे ये वाला देख लेते हैं, आई वाला, ओ गॉड व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, ओ गॉड, तो वो बता रहा है कितनी सुंदर है, तो ये ऑप्टेटिव हो गया. ऐसे ही हाउ फुलिश आई हैव बीन, मैं कितना बेवकूफ़ हूँ. बट यहाँ पे क्या है, एक्सक्लेमेटरी लग रहा है. बट यहाँ पे क्या है, यह है क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क क्या बताता है, क्वेश्चन मार्क बताता है कि ये जो सेंटेंस है वो कैसा है, इंटेरोगेटिव. ठीक है, यही आपको, जैसे मैन इज अ सोशल बींग, ये नॉर्मल है हमारा. तो ये हो गया आपका अफर्मेटिव. अफर्मेटिव कौन से थे, असर्टिव में जो पॉजिटिविटी, ठीक है, वो सारे अफर्मेटिव हो गए. नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज, यही आपको इस क्वेश्चन में करना है. ठीक है, नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज टेक द करेक्ट ऑप्शन. आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, सही ऑप्शन पर टिक करना है. जैसे ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस. ठीक है, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस आर देयर. दो पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सी अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ स्टेटमेंट टू टॉक दिस इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंसेस. एक्सप्रेस कमांड वगैरह कौन से करते हैं, इम्परेटिव सेंटेंसेस. ठीक है, और किसी सेंटेंस में किसी को श्राप या किसी को बून या किसी को विश देते हैं, वो कौन से सेंटेंस होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस. ठीक है बच्चों, ये आपकी एक्सरसाइजेस थी.
चैप्टर नंबर 1 की, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे और आपको इनके आंसर्स खुद करने हैं। और कहाँ से चेक करना है आपको? चेक आपको करना है जो सैटरडे को आपकी लिंक मिलेगी, आपको जो पेज मिलेगा स्कूल से अवेलेबल में हो जाएगा, सैटरडे पे मिलेगा या मिल चुका है, तो आप वहाँ से इसके आंसर्स चेक करेंगे। और कहाँ राइट करेंगे? अपनी कॉपी पे राइट करेंगे, ठीक है, फेयर कॉपी पे। ओके क्लास, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, गुड बाय।